प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में मध्य प्रदेश के दो बड़े चेहरों को शामिल किया गया है, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे वीरेंद्र खटिक। आइए आपको बताते हैं कि मोदी कैबिनेट में शामिल हुए वीरेंद्र खटिक आखिर है कौन। अपनी सादगी के लिए मशहूर टीकमगढ़ से बीजेपी के लोकसभा सांसद वीरेंद्र खटिक इससे पहले मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे, लेकिन तब उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया था, लेकिन इस बार उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। आपको बता दें, खटिक दूसरे नेताओं की तरह लाइमलाइट में रहने की बजाय सादगी से रहना पसंद करते हैं, और यही वजह है कि मंत्री रहते हुए भी वे अक्सर अपने पुराने स्कूटर से घूमते नजर आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के सागर शहर से आने वाले वीरेंद्र खटिक सातवीं बार लोकसभा सांसद चुने गए। 17वीं लोकसभा में उन्हें प्रोटेम स्पीकर भी बनाया गया था। वीरेंद्र खटिक का बचपन बेहद तंगहाली में गुजरा, और शायद यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री के पद तक पहुंचने के बाद भी वे दूसरे नेताओं की तरह तामझाम से नहीं बल्कि सादगी में रहते हुए नजर आते हैं। वीरेंद्र खटिक के सियासी करियर पर नजर डाले तो उन्होंने छात्र जीवन से ही राजनीति में प्रवेश कर लिया था। 1977 में वीरेंद्र खटिक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी से जुड़े। वहीं आपातकाल में वीरेंद्र खटिक 16 महीने तक जेल में भी रहे। 1996 में पहली बार सागर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। वीरेंद्र खटिक सागर से लगातार 4 बार जीतकर संसद पहुंचे हैं। वहीं 2009 और 2014 में टीकमगढ़ सीट से लोकसभा पहुंचे। सितंबर 2017 में मोदी सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा उन्होंने हासिल किया, और वहीं 2019 में सातवीं बार लोकसभा सांसद चुने गए। वीरेंद्र खटिक को 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर भी बनाया गया था। वीरेंद्र खटिक सांसद बनने के बाद पहली बार तब चर्चा में आए जब उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए जन चौपाल लगाना शुरू किया था। उन्हें चौपाल वाले सांसद के नाम से भी जाना जाता है। और आपको यहाँ पर ये भी बता दें, दलित वर्ग से आने वाले वीरेंद्र खटिक का शुरुआती समय बेहद तंगहाली में गुजरा है। बताया यह भी जाता है कि पढ़ाई के दौरान आजीविका चलाने के लिए उन्होंने पंचर बनाने का काम तक किया है, और आज उन्हें मोदी सरकार में मंत्री का दर्जा हासिल हुआ है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।